हेलो दोस्तों, मैं कल्पना, आप सबका स्वागत है स्वाद घर का। मैं आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करिए और कमेंट करिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बनाएंगे पके हुए चावल से एक टेस्टी नाश्ता जो खाने में बहुत ही टेस्टी होगा, और इसके लिए हम बचे हुए चावल भी यूज़ कर सकते हैं या तो फिर आज का पकाया हुआ चावल भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे सुबह या शाम के नाश्ते में तैयार करके खा सकते हैं। सबसे पहले हम पका हुआ वाला चावल ले लेते हैं। मैंने आज ही का चावल लिया है क्योंकि मैंने शाम के नाश्ते में बना रही हूँ, इसीलिए मैंने दोपहर का बना हुआ चावल यूज़ कर रही हूँ। अब इसे हम मिक्सी के जार में ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम 4 चम्मच दही ऐड कर लेते हैं। अगर आपकी दही ज़्यादा खट्टी हो तो आप इसमें 2 चम्मच ही ऐड करिए। साथ ही इसमें हम 1 कटोरी पानी ऐड कर लेंगे और मिक्सी के जार को बंद करके एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमने इसे एक बार घुमा लिया है, ये थोड़ा सा दरदरा पिसा है। इसमें हम और थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं और इसे एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेते हैं। हमने एक स्मूथ बैटर तैयार कर लिया है। अब इसमें हम 4 चम्मच सूजी ऐड कर लेते हैं। साथ ही इसमें 1 कटोरी और पानी ऐड कर लेते हैं और इसे फिर से मिक्सी के जार को बंद करके हम घुमा लेते हैं। अब हमारा बैटर अच्छा तैयार हो गया है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। हम बैटर को कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक के हम वेजेस काट लेते हैं। हमने प्याज बारीक बारीक काट लिया है, धनिया पत्ती भी बारीक काट लिए है, टमाटर बारीक काटा है और हरी मिर्ची भी बारीक काटा है। अब एक बाउल लेंगे, उसमें हम सभी को मिक्स कर लेंगे। इसे हम मिक्स करके साइड में रख देते हैं। अब हम बैटर वाला बाउल लेंगे और साथ ही एक इनो का पैकेट लेंगे और 1/2 चम्मच इनो इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब हमने एक तवा लिया है, उसे अच्छे से गर्म कर लिया है। अब उसके ऊपर हम तेल लगा लेते हैं। अब इसमें हम गोल चम्मच की सहायता से 2 चम्मच बैटर ऐड कर लेते हैं। आपको जितना बड़ा चाहिए उतना बैटर तैयार कर लीजिए। इसे हल्का सा हम फैला देंगे, इसे हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, मोटा रखना है जिससे कि ये आसानी से निकल जाए। अब इसके ऊपर में हमने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया का जो मिश्रण तैयार किया था उसे ऐड कर लेते हैं। इसे हमें चारों तरफ से फैलाते हुए डालना है। चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से पेस्ट कर देंगे जिससे कि ये इसमें चिपक जाए। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल ऐड कर लेंगे और इसे नीचे से गोल्डन कलर आने तक के भूंज लेंगे। अब ये नीचे से अच्छे से पक गया है। अब इसे हम पलटी कर लेते हैं। इसे हम धीरे धीरे पलटी करेंगे, नहीं तो ये टूट जाएगा। इसे हम दूसरे तरफ से भी अच्छे से पका लेंगे। अब ये अच्छे से पक गया है और हमारे चावल के उत्तपम तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से हम बाकी के भी उत्तपम तैयार कर लेंगे। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और हमारे वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।